हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ दो ऐसे एजुकेशन ऐप के बारे में जिसकी मदद से आप इस कोविड के टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल खुल नहीं रहे, प्रॉब्लम ये आ रही है, हम बच्चे को ट्यूशन भी नहीं भेज पा रहे, तो कैसे हम बच्चे को एजुकेट कर सकते हो? क्योंकि इस कोविड की वजह से बच्चों का जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बच्चे पढ़ नहीं रहे, पेरेंट्स से सीख नहीं रहे। तो इस ऐप की मदद से आप बहुत ही इजी तरीके से आप बच्चे को एजुकेट कर सकते हो। ये ऐप अब आपके बच्चे को खुद सिखाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, जो भी जिस भी तरह के आपके सब्जेक्ट हैं, आप इस ऐप से बड़ी ही इजी तरीके से उनको सॉल्व कर सकते हो। आप बच्चे को पढ़ा सकते हो या बच्चा खुद भी इस तरीके से पढ़ सकता है। इसमें बहुत सारी क्लासेज हैं इंग्लिश की, ग्रामर की, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। इससे केवल बच्चे नहीं, अगर आप भी किसी पेपर की, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप भी किसी को बड़ी स्टडी कर रहे हो, उसको भी आप बड़े ही इजी तरीके से इस ऐप की मदद से आप अपने एजुकेट को बढ़ा सकते हो, सीख सकते हो। चलो, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, दिखाता हूँ आपके दो ऐप जिनका डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ आप कैसे उस ऐप को यूज़ कर सकते हो और अपने बच्चे को हायर प्रोफाइल की स्टडी दे सकते हो। चलो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो में। देखिए फ्रेंड, आ गया हूँ मैं अपने फ़ोन के ऊपर। जो पहली ऐप है जो उसका नाम है डाउट नेट। आप इसको इस तरह से, आप जो इंटरफेस इसका दिखाई देगा, जैसे आप इसको खोलोगे, ये आपको अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए बोला है। आप इसको लॉगिन करके रखो। जैसे लॉगिन हो जाता है, उसके बाद आपको सामने कुछ इस तरह से ये कैमरा ओपन हो जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है, मान लो आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, उसका कोई भी क्वेश्चन है, उसकी फोटो खींचो और उसको क्लिक कर लो। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये ट्रिम करने के लिए बोलेगा। जितना आप क्वेश्चन को करना चाहते हो जहाँ से ट्रिम करो, उसके बाद हल पाए जहाँ पे क्लिक करो, ये ऑटोमेटिकली उस तरीके का हल आपके सामने लाके रख देगा। आपको क्लियर हो जाएगा अब क्वेश्चन क्या है। इसके साथ बहुत सारी वीडियो आ जाएगी, वीडियो में आप बहुत ही बड़ी आसानी से आप सीख सकते हो भी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उस तरीके से आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। इसमें फ्रेंड और भी बहुत कुछ दिया गया है। उसके बाद फ्रेंड जहाँ पे आप टैप करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, और उसके बाद ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इसके व्हाट्सएप पे जाओगे, व्हाट्सएप पे जाने के बाद भी ये आपको ये एक ग्रुप पे ले जाएगा, जहाँ से भी ये पूछेगा भी आप कौन सी, इसमें ये लिखा हुआ है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्वेश्चन इस फोटो सेंड एंड सेंड करें। ये बोला भी एंड आप जहाँ से लिख के नहीं हो कर सकते, आप जो भी क्वेश्चन है, जो भी ये सब्जेक्ट हैं, इसमें अभी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं, जो भी ये हल करके आपको देगा, उसके आप यहाँ से फोटो खींचो, फोटो खींच के आप यहाँ से सेंड कर दो और उसके बाद इसका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और इसके बाद भी मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या कुछ होता है। इसमें ऑनलाइन क्लासेज हैं, इसमें भी आप बच्चे को जैसे स्पोकन इंग्लिश की है, ये कुछ पेड वर्जन है, जो पेमेंट की क्लास चलती है, इसमें आपको 166 रुपये महीना देना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर बच्चे को हम हिंदी माध्यम से है, कक्षा 6 की है जो हम पढ़ाना चाहते हैं, उसके अलावा आप गणित के हैं, जो अंग्रेजी के व्याकरण है, ग्रामर है, विज्ञान के हैं, उसको आप बड़ी आसानी से जहाँ से आप सीख सकते हो। और उसके बाद लाइब्रेरी में जाओगे तो जहाँ पे भी बोर्ड एग्जाम की कुछ बुक्स वगैरह दी गई है, जैसे मैथ की ट्रिक्स वगैरह है, वो भी आप जहाँ से, बहुत सारी वीडियो है जहाँ से आप सीख सकते हो। तो जहाँ डेली विकेज है, जहाँ भी डेली के भी इसमें क्वेश्चन वगैरह आते हैं, जहाँ से भी आप देखो और उसके बाद आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। ठीक है फ्रेंड, और भी मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें और भी बहुत कुछ दिया गया है। तो जहाँ से आप इनके साथ चैट भी कर सकते हो, इस चैट के माध्यम से आप यहाँ से होम में आओगे तो जहाँ पे आप NCERT की बुक्स का भी, किताबों का भी हल दिया गया है। इसमें आप, अगर आप टीचर हो, आप पढ़ाना चाहते हो, तो जहाँ से भी आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके दूसरों को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद भी जहाँ पे आपको मैं नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, जहाँ पे भी ये इनकी क्लासेज वगैरह, ये फ्री में क्लासेज चलती है, ऊपर का तो थोड़ा पेड वर्जन है,
तो जहाँ पे ये फ्री में क्लासेस चलती है। इसमें फ्रेंड आप जाओगे तो बहुत कुछ दिया गया है जो आप बड़ी आसानी से खुद भी सीख सकते हो और अपने बच्चे को भी इस ऐप की मदद से बड़े इजी तरीके से पढ़ा सकते हो। इसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है फ्रेंड। आप अगर इसमें जाओगे तो मुझे नीचे कमेंट करना अगर आपको कहीं भी डाउट लगता है भी कहाँ पे क्या करें, तो वो उसके लिए मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एक एक चीज़ के बारे में बताने में। तो इसमें भी बहुत कुछ जहाँ पे दिया गया है। अभी बात करता हूँ फ्रेंड दूसरी ऐप के बारे में, जिसका नाम है ब्रेनली। ब्रेनली ऐप में भी आप फ्रेंड इस तरह की ऐप है जो अब मैंने पहले दिखाई है, जहाँ से भी आप क्या करना है, इसको आपने लॉग इन करना है पहले। सबसे पहले जैसे भी आपके जो भी गूगल आईडी, आप जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ये मैंने गूगल पे क्लिक किया, जहाँ से ये मेरी आईडी है, मैं आईडी से इसको लॉग इन कर लेता हूँ। जैसे फ्रेंड लॉग इन कर लेंगे, जो आपके सामने कुछ इस तरह का हो गया स्कैन मैथ, आप मैथ को स्कैन करके उसका आंसर ढूंढ सकते हो भी आंसर कैसे लेना है। जहाँ आपको टैक्स है, कोई टैक्स मैसेज है, उसको भी आप जहाँ से स्कैन करके, जहाँ उसकी फोटो खींच के, तो उसका आंसर ढूंढ सकते हो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको उस दूसरी ऐप में बताया गया। अगर आपको फोटो खींचने में कैमरे में प्रॉब्लम है, तो जहाँ से आपको एक माइक का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ मैक के ऊपर आप जो भी बोलोगे, जहाँ इस पर क्लिक करोगे, तो उसका आंसर ये अपने आप बता देगा। जैसे मैं बता बोल के दिखा रहा हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम, ये देखो फ्रेंड मैंने पूछा है भारत के पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ, जहाँ ये बहुत सारे आंसर दे गए। जैसे हम पहले पे क्लिक करेंगे तो ये इन्होंने बताया गया जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से बच्चे के जो भी क्वेश्चन है, जो आपके हैं, आपको नहीं पता चल रहा है इसका आंसर क्या होगा, आपको टीचर के पास जाना पड़ता है, जब फालतू में गूगल में मत्था मारते हो तो उसमें भी आंसर नहीं मिलता, तो आप जहाँ से बड़ी इजी तरीके से कोई किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढ सकते हो। और उसके बाद जहाँ पे भी फिजिक्स के कुछ मैथ के क्वेश्चन वगैरह दिए गए हैं, जहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जहाँ से भी आप पढ़ते रहो तो आपको नॉलेज होती रहेगी। जहाँ टेक्स बुक के बारे में ये बुक्स वगैरह दी गई हैं, तो जहाँ से भी आप बुक्स वगैरह पढ़ के आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, आप बच्चे को पढ़ा सकते हो। और फ्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों ऐप अच्छे लगे हैं, तो आपके काम के हैं, जो दोनों का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये आपको इजीली गूगल प्ले स्टोर पे मिल भी जाएंगे। पहले का नाम है डाउट नेट, दूसरे का नाम है ब्रेनली। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेज की वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फ्रेंड।